को नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले थ्रो बॉल एसोसिएशन और दिल्ली की मेजबानी में शनिवार यानी 26 फरवरी को नई दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 3 स्थित मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल में 43वीं सीनियर नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप का शानदार आगाज हो गया। उद्घाटन मुकाबले में पुरुष वर्ग में दिल्ली और महिला वर्ग में उड़ीसा ने अपना विजय अभियान शुरू किया। पुरुष वर्ग में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 15-0, 15-13, जबकि महिला वर्ग में उड़ीसा की टीम ने मध्य भारत को 15-5, 15-1 से पराजित किया। मैच शुरू होने से पहले शानदार उद्घाटन समारोह में प्रतियोगिता का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बैलून उड़ाकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के अजीत सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव नरेश मान और थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के सचिव कर्म सिंह कर्मा ने माला चांदी का मुकुट पहनाकर और साव उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर किया। इससे पहले सांसद सह प्रसिद्ध सूफी गायक हंसराज हंस भी मैदान में पहुंचे, थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के झंडे को फहराया। उनका भी मुकुट और माला पहनाकर स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान ऐसा लग रहा था कि रोहिणी सेक्टर 3 के मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल में मिनी इंडिया उतर आई है। महाराजा अग्रसेन मॉडल पब्लिक स्कूल की बैंड पार्टी की धुन पर हिस्सा लेने आई टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट करके सबों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मार्च पास्ट बसंत राणा और विजय वशिष्ठ के नेतृत्व में हुआ। उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आप हारो या जीतो पर खेल भावना को कभी मत तोड़ना, खेल भावना को हमेशा कायम रखना। खिलाड़ियों को शपथ इंटरनेशनल प्लेयर दीपिका ने दिलाई, मंच संचालन मनीषा दाहिया ने किया। इस मौके पर ब्रह्म राणा, यज्ञ राणा, प्रवीण राणा, नीरज जैन, योगेश, प्रदीप ग्रेवाल, विजय बेनीवाल, दलवीर समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर राज्यों से आए पदाधिकारियों का थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के द्वारा सम्मानित किया गया। पहले दिन हुए पुरुष वर्ग के मैच में गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मध्य भारत, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ने अपने अपने मुकाबले जीते। महिला वर्ग में दिल्ली, केरल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर करेंगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।